दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मशहूर टीवी कलाकार और अभिनेता के बारे में जिन्होंने आनंद सागर द्वारा निर्मित सीरियल रामायण में भगवान राम का एक अनोखा किरदार निभाया था। दोस्तों, उस अभिनेता का नाम है गुरमीत चौधरी। दोस्तों, गुरमीत चौधरी का जन्म साल 1984 में चंडीगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुरमीत का बचपन चंडीगढ़ के अलावा जबलपुर और चेन्नई में बीता है। दोस्तों, गुरमीत चौधरी ने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। गुरमीत का पहला टेलीविजन शो रामायण था, जिसमें उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। दोस्तों, इस शो में माता सीता का किरदार गुरमीत चौधरी की रियल पत्नी देवीना बनर्जी ने निभाया था। इन दोनों को राम और सीता के रूप में लोगों ने काफी पसंद किया था। दोस्तों, गुरमीत चौधरी छोटे पर्दे के एक सफल अभिनेता रह चुके हैं। इस शो के साथ साथ गुरमीत ने और भी कई सारे शो किए, जैसे गीत हुई सबसे पराई में गुरमीत ने मान खुराना का किरदार निभाया था। गुरमीत ने बड़े पर्दे पर अपने अभिनय की शुरुआत साल 2015 में महेश भट्ट के बैनर तले बनी फिल्म खामोशियां से की थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद फिर गुरमीत ने साल 2021 में हॉरर फिल्म द बाइक में काम किया था। इस फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, टीवी और फिल्मों के अलावा गुरमीत ने और भी कई सारे रियलिटी शो किए हैं, जैसे झलक दिखला जा। इस शो की वह विजेता भी बन चुके हैं। इसके बाद टेलीविजन का एक और डांस शो नच बलिए में गुरमीत ने अपनी बलिए देवीना के साथ भाग लिया था। दोस्तों, इसके अलावा गुरमीत ने खतरों के खिलाड़ी जैसे ब्लॉकबस्टर शो में भी भाग लिया था, जिसमें उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, गुरमीत के कुछ अन्य शो इस प्रकार हैं, जैसे रामायण, गीत हुई सबसे पराई, पुनर्विवाह, कोई आपसा, खतरों के खिलाड़ी, डर का ब्लॉकबस्टर, नच बलिए, झलक दिखला जा इत्यादि। दोस्तों, आपको सीरियल रामायण में राम और सीता के रूप में गुरमीत और उनकी पत्नी देवीना की जोड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अपना एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके अपने चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें।